मैं वहां पहुंचता हूं। ओके बाय। हाय चन्नी। मिशेल हाय। मैंने तुम्हें फोन पे बात करते हुए देखा। आई डिडंट डिस्टर्ब यू ना? डिस्टर्ब? नहीं नहीं, मैं सिमरन से बात कर रही थी, मेरी बचपन की फ्रेंड है, उसने कहा मिलना चाहती है, मैंने कह दिया अभी मिल लेते हैं। ओह ग्रेट, चलो मैं भी चलती तुम्हारे साथ, तुम्हारी फ्रेंड को भी मिल लेती हूँ और तुमसे भी बहुत सारी बातें हो जाएगी। मिशेल एक्चुअली क्या है कि वो मिशेल की मैं नहीं नहीं मिशेल मिशेल तुम जाकर क्या करोगी, चांदनी तो भी थोड़ी देर में आ जाएगी, वो बीजी तुमसे मिलना चाहती है। हाँ मैं अभी वापस आ जाऊंगी। और वैसे भी सुजाता से मैं ज्यादा बातें नहीं करती। सुजाता या सिमरन? सुजाता कहा मैंने? नहीं नहीं सिमरन मेरी बचपन की फ्रेंड है, वो बस उसी से मिलने जा रही हूँ। चांदनी तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? हाँ चलो जाओ जल्दी से जाओ और जल्दी वापस आओ। अच्छा एक काम करो, ये लो ये मेरा मोबाइल अपने पास रखो। हाँ अरे भाई अगर अपने दोस्तों के साथ बातें करने में अटक गई तो कम से कम तुम्हें बता तो सकते हैं। अच्छा सुनो, अगर इस पर घर का नंबर आए तो तुम समझना घर वालों को तुम्हारी याद आ रही है, और अगर दोबारा रिंग बजे तब समझना कि घर वालों को तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है। समझ गई ना? जी बाय चाचू, बाय मिशेल। मिशेल 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 तुम कहाँ जा रही हो? तुम बैठो ना यहाँ। नो नो थैंक्स। अच्छा मिशेल ये बता तुम हो कहाँ के? अमेरिका। अच्छा अमेरिका, अमेरिका मतलब यूएसए ना? यूएसए बहुत अच्छी जगह है ना। अच्छा यूएसए में कहाँ? न्यूयॉर्क। अच्छा सुनो सुनो न्यूयॉर्क भी बहुत अच्छी जगह है ना। अच्छा वहाँ ट्विन टावर है ना? वो थे। हाँ हाँ थे थे थे, ये तो मैं भूल ही गया था। वेरी सैड इंसिडेंट, वेरी सैड इंसिडेंट। अब मिशेल अब तुम जाओ ना। वो बीजी मुझसे मिलना चाहती थी ना। अब मिलने की क्या जरूरत है, अब तो रास्ता एकदम साफ। जी मेरा मतलब है तुम जाओ। हाँ अच्छा मिशेल आया करो तुम, अच्छा लगता है। कैसे मिजाज हैं? ठीक है, बस तुम्हारी फिक्र रहती है। मैं भी ठीक हूँ, बस इस बात का इंतजार रहता है कि कब इस रात की सहर होगी। अमन कभी कभी सोचती हूँ कुआलालंपुर से यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, कम से कम वहाँ हम दोनों को एक दूसरे का साथ तो नसीब था। हाँ लेकिन कभी ना कभी तो हमें इस सबसे गुजरना ही पड़ता है। पता नहीं ये कैसा इम्तिहान है। मैं कल ही सोच रहा था हम जब भी मिलते हैं साथ रहते हैं तो सिर्फ अपनी मुश्किलात की बातें करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी मुश्किलों को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और खुशी खुशी ये वक्त बिताएं। ठीक है तो अब मैं तुमसे मुसीबतों और मुश्किलों की बातें बिल्कुल नहीं करूंगी। तो फिर अगर इजाजत हो तो एक नज्म पेश करो। इरशाद, ये इश्क हमें किस मोड़ पर ले आया है, बची उम्र में अब सिर्फ तेरे गम का साया है। कभी कभी अचानक ये दिल थम सा जाता है जब ख्याल तुमसे बिछड़ने का इस दिल में आता है। कभी कभी मुझको भी ये ख्याल आता है इरशाद। कभी कभी मुझको भी ये ख्याल आता है कि कैसा आशिक है जो कड़ी धूप में नज़मे सुनाता है। अमन मुझे चलना होगा। हम फिर कब मिलेंगे? जब मुसीबतों से दूर होना चाहेंगे। जिन्हें हम आज मुसीबतें कह रहे हैं वो हमारे आने वाले कल की यादें हैं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अभी अम्मी और अब्बू से तुम्हारे बारे में बात करना बाकी है। अमन हो सकता है हमें उनसे सहारा मिले। तुम्हें।
Yes, yes, of course. I'll inform her. Okay, have a good day. Bye. Anno! Abe, Anno! Anno! क्या है पॉप? ये मिशेल कहाँ है? दो बार उसके घर से फोन आ चुका है। अरे होगी किसी महात्मा के आश्रम में मेडिटेशन का कोई नया टेक्निक सीख रही होगी। अबे पगले, ये बंबई है, हरिद्वार नहीं। यहाँ कहाँ महात्मा मिलेगा उसे? पॉप, तेशीस, अब आपको जो कुछ भी पूछना है आप उसे पूछ लीजिए। मिशेल बेटा कहाँ थी तुम? चांदनी के घर। दो बार अमेरिका से तुम्हारा डैडी का फोन आ चुका है। मैं उन्हें कर लूंगी। हेलो, तुम चांदनी के घर गई और तुमने मुझे बताया नहीं, आखिर बात क्या है? क्या बात है? नहीं, हो सकता है कि तुम चांदनी के घर पे गई जरूर, लेकिन चांदनी से मिलने नहीं, किसी और से मिलने। कर डालो के। वैसे पॉप, पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं, लेकिन मैंने जरूर नोटिस किया है। क्या? मिशेल को आजकल चांदनी के घर पे जाना अच्छा लगने लगा है। क्या मतलब? अंकल आप उसकी बात प्लीज मत सुनिए। बेटा सुनूंगा भी तो कोई फायदा नहीं, तुम लोगों की बातें मेरी समझ से बाहर है। पॉप, अगर हम शादी के लिए दो हॉल्स का पैकेज डील करवाएं तो कैसा रहेगा? दो हॉल्स? क्यों? अनु, तुम अब बात को कुछ ज्यादा ही खींच रहे हो। मिशेल, अगर तुम चाहो तो हम कैप्टन राजेश को पूछ सकते हैं। स्टॉप इट, इनफ इज इनफ। ओके ओके, कूल डाउन यार, मैं मजाक ही कर रहा था। लेकिन मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, डोंट यू अंडरस्टैंड? अनु अनु, मेरे ख्याल से तुम्हें मिशेल को और परेशान नहीं करना चाहिए। मिशेल, व्हाई डोंट यू गो टू योर रूम एंड जस्ट चिल आउट, ओके? ओके अंकल। रिलैक्स। मैं स्ट्रेंज, मिशेल आज पहली बार नाराज थी। कहां से आ रहे हो? अस्सलामुअलैकुम सज्जन। वालेकुम अस्सलाम। भाई बताया नहीं कहाँ से आ रहे हो? जी बस पास में ही टहलने गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे रूबरू होने से घबरा रहे हो तुम? नहीं नहीं, ऐसा क्यों? नहीं ना। आओ तशरीफ। हाँ तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अब जरा आप हमें ये बताएं कि सोहेल से आपके बारे में जो हमें सुनने को मिल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? जी क्या सुनने को मिला? बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा ठीक है, हम भी बैठ जाते हैं भाई। बैठो बैठो बैठो। चेतन, क्या सुनने को मिला? तुम्हारी मोहब्बत के किस्से? अरे भाई जरा हमें भी तो सुनाओ। जी हाँ। चाचा से बातें छुपाई नहीं जाती। जी भाई ये तो, अरे बहुत अच्छी खबर है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि वक्त की रफ्तार कितनी तेज होती है। लेकिन हमारा एक सवाल भी था। जी जरूर। अपने अब्बू को बताया तुमने? जी बताया था। उन्हें कबूल है? जहां तक मैं समझता हूं भाईजान को हमेशा इस मुल्क से रिश्तों पर एतराज रहा है। जब वो यहां की तालीम नहीं खरीदते तो रिश्तों की बात तो होती है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, चाचा और भतीजे के रिश्ते की इजाद शायद ऐसे ही हालात को देखकर की गई होगी। अगर तुम्हें अपने जज्बात पर पूरा भरोसा है तो मैं इस रिश्ते की बात को, नाम क्या है? जी अमन। हाँ तुम इतने क्यों घबरा रहे हो भाई? हमने लड़की का नाम पूछा है और तुम अपना नाम बता रहे हो। ओ सॉरी जी, चांदनी नाम है उसका। चांदनी? चांदनी के घर वालों से हम बात करेंगे। नहीं नहीं, मेरा मतलब चाचा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो जी खाना तैयार है, लगा दो। जी लगा दीजिए चाचा, लगा दीजिए, प्लीज लगा दीजिए। चांदनी, अब हम समझे कि तुम्हारे चेहरे पर चमक किसकी है। जी आया। चटी जाए, मैं आ गया।
चांदनी चांदनी मेरी जिंदगी की रोशनी। सिर्फ अनु नहीं, अनु की सबसे अच्छी दोस्त मिशेल भी। हाय चांदनी। हाय मिशेल। अच्छा चांदनी, तुम कुछ कह रही थी? मैं तो कुछ नहीं कह रही थी। अगर तुम कुछ कह नहीं रही थी तो कुछ सोच जरूर रही थी शादी के बारे में। सब लोग क्या तुम्हारी तरह मैड है क्या? अनु, मैं तो पागल हूँ और मुझे ये बात एक्सेप्ट करने में जरा भी शर्म नहीं आती। दिन रात रात दिन अगर आजकल मैं कुछ सोचता हूँ तो वो सिर्फ अपनी शादी के बारे में। और इनफैक्ट क्यों नहीं यार, इंसान जिंदगी में एक बार तो शादी करता है। और एक बार शादी कर ली उसके बाद तो बंद गए जिंदगी भर के। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि शादी के बाद चांदनी तुम्हें बांध के रखेगी। एक्सक्यूज मी मिशेल, यहाँ पे हम तुम्हें बांधने की बात करने के लायक थे, तो डोंट ट्राई एंड चेंज द टॉपिक एंड डोंट एक्ट स्मार्ट। चांदनी, ये मिशेल जो है ना, हमारी शादी से पहले यहाँ से भागने के चक्कर में। मैं इसे समझा के थक गया हूँ, प्लीज तुम इसे समझाओ, इसे बताओ कि ये हमारी शादी के बाद यहाँ से जाए। मैंने कहा ना अनु, मुझे काम है। मुझसे बात मत करो, चांदनी से बात करो। ऐसी बात नहीं है, मैं रुकना चाहती हूँ। पर मिशेल, तुम रुक सकोगी तो अच्छा होगा। रुक सकोगी? रुकना ही पड़ेगा, मैंने साफ साफ कह दिया है, मिशेल के बगैर मैं शादी नहीं करूँगा। You're mad. मैं सच कह रहा हूँ मिशेल, I am serious. मैं तुम्हारे बगैर सात फेरे तो क्या, एक फेरा भी नहीं लूंगा। अरे चांदनी को समझाओ ना इसे। मिशेल, तुम्हें रुकना चाहिए। ओके, ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। Happy? That's like a good girl. Thank you, चांदनी. Thank you so much. अरे मैंने क्या किया? अरे तुम्हीं ने तो सब कुछ किया है। ना तुमसे शादी करती और ना मिशेल यहाँ रुकने के लिए तैयार होती, right मिशेल? लीजिए, खीर दीजिए उसे। तुम्हारी चाची जिस दिन खीर बनाए ना, तो समझ लेना चाहिए आज को एक खास दिन है। खास दिन तो है ही, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली है। इस वेल कहाँ चला गया? किसी काम से बाहर गया, कह रहा था जल्दी आ जाएगा। उसका कोई भरोसा नहीं बेटा, यार दोस्त मिल गए ना तो सुबह से शाम कब हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। लीजिए आ गए, जैसे सिर्फ अपना नाम सुनने के इंतजार में बाहर खड़े थे। कहाँ से आ रहे हो? अरे अबू, वो शाहिद और इरफान मिल गए थे। मैंने कहा था ना कल मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, शर्त लगा बैठे, कहने लगे पाकिस्तान जीतेगा। यही तो मुसीबत है तुम लोगों की, खेल को भी जंग बना दिया है। अरे अब्बू, हमारी टीम बहुत सॉलिड है इस बार, सचिन फुल फॉर्म में है। क्यों अमन? अब वो तो कल का मैच ही बताएगा, बस इतना ख्याल रहे कि हमारी टीम को कमजोर ना समझे। अल्लाह, मैं तो भूल ही गया था एक ही छत के नीचे दोनों टीमें मौजूद हैं और अंपायर मैं हूं। चांदनी कहाँ है? बाहर बैठी है। बहुत गुमसुम रहती है। मेरे ख्याल से आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ना कुछ पूछना, ना किसी से बात करना, जैसे कि हम सब उसके दुश्मन हैं। सबसे बड़ा दुश्मन तो मैं ही बन गया हूं उसका, वरना यही चांदनी 2 मिनट के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, पापा मुझे पढ़ा दो, बहाने ढूंढती रहती थी मेरे पास बने रहने के लिए। मुझे ही कहना पड़ता था बेटा अपने पापा को अकेला छोड़ दो। आज मुझे ही बहाने ढूंढने पड़ रहे हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए। मैं ना कहती थी आपसे तब कि अब आप जितना भी उन्हें सीने से लगाए रखें, वक्त इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ जाएगा कि एक न एक दिन वो हमारे हाथ से छूट ही जाएंगे। ऐसा क्या बदल जाता है अचानक गायत्री? कृष्ण की परिभाषा बदल जाती है। जो बच्ची अपने माँ बाप की नजर में हर पल बने रहना चाहते हैं, वो अचानक उन्हीं माँ बाप से
नजरें चुराने लगती है। एक दिन अचानक उसके जिंदगी में कोई लड़का आ जाता है जो पता नहीं क्या सपना दिखाता है कि वही बच्ची अपने माँ बाप के साथ बिताए उन तमाम सालों को भूलकर अलग ही रास्ता पर चल देती और फिर एक बार भी हमारी तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। हमारा प्यार क्या इतने कच्चे धागों से बंधा होता है गायत्री, जो हमारी अपनी ही औलाद एक झटके से उसे तोड़कर निकल जाती। आप इन बातों के बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे नहीं आपका दिल उदास होगा। मत कीजिए, कोई फायदा नहीं। इतना हक तो बनता है हमारा गायत्री कि कोई हमें समझाए ऐसा होता क्यों है।